तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये बोर्नियो सेमेटिक का हमारा सेकेंड टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बोर्नियो सेमेटिक जो होता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, वो क्या क्या सीखने वाले हैं और उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक की बोर्नियो सेमेटिक को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको अपने स्क्रीन में कैसे रखेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे। अच्छा, इसके क्या क्या अपडेट वर्जन आते रहते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको जिक्र करूंगा जिससे आप सारी चीजों को आप समझ सके और अच्छे तरीके से इस टूल को आप यूज कर सके। सबसे पहली बात क्या, ये टूल जो है ये हमारे मोबाइल फोन में हार्डवेयर से संबंधित हार्डवेयर सोल्यूशन के लिए एक बहुत बेहतर टूल है, जिससे हमको मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे न्यू टेक्नीशियन होते हैं, नए पर्सन होते हैं, उनको मोस्टली मोबाइल फोन में प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी मोबाइल फोन जो है सप्लाई लाइन कहाँ जा रही है, जो फॉल्ट आ रहे हैं उनको कैसे चेक किया जाएगा, लाइनों को चेक कैसे किया जाएगा, मोबाइल फोन में कमी को कैसे पकड़ा जाएगा, इन सब चीजों का जो तरीका है वो टूल के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बोर्नियो सिमेट्री को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करने वाले हैं, इसका तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डाउनलोड करने का तरीका क्या है और कैसे आप अपने स्क्रीन पर रखेंगे, उसका तरीका आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को ठीक करना, उनको ट्रबल शूटिंग करना, उनमें आने वाली समस्याओं को रिपेयर करना, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने आगे के वीडियो के ऊपर और देखते हैं कैसे इस टूल को डाउनलोड करेंगे और इस टूल को डाउनलोड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये टूल नहीं चलता है तो कैसे उसको ठीक किया जाएगा, उसका तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। तो चलो चलते हैं अपने टूल के ऊपर। इस टूल के ऊपर सबसे पहली बार हमको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पहले ओपन करेंगे, सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए सिस्टम में कनेक्ट हो गए। सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद सबसे पहली बात जो आप कनेक्ट करेंगे, आप मोबाइल फोन में इस टूल के फॉल्ट ठीक करने के लिए हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल। क्या ओपन करेंगे? गूगल। जब आप गूगल खोल लेंगे तो गूगल खोलने के बाद यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा बोर्नियो बोर्नियो सीमैटिक बोर्नियो सीमैटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन, ऐसा करके लिख करके आएगा। इसमें आपको क्या करना है, ओके करना है। ये दिख रहा है बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसमें आप ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए बोर्नियो सिमेटिक डाउनलोड करने के लिए ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो वेबसाइट ओपन होने के बाद आप इसमें से देखेंगे अलग अलग तरीके के बहुत सारे सेटअप खुल जाते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में हमको सबसे पहली बात क्या करना होता है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑफिशियल बोर्नियो सिमेटिक सेटअप यहां पर लिखकर क्या है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, इसमें से अगर आप देखेंगे यहां पर लिखा है बोर्नियो सिमेटिक वर्जन 7.0। अगर कल को 7.0 की जगह पर 8.0 आ जाता है तो आपका 7.0 काम करना बंद कर देगा। वो बोलेगा पहले अपडेट करें, अपडेट करने से अपने मन से ही चालू हो जाता है। अगर नहीं चालू होता तो आप जो पुराना वाला उसको डिलीट करिए और फिर से दोबारा आप उसको डाउनलोड करिए और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसमें 7.0 की जगह कल को 8.0 आ जाएगा तो आप हमेशा अपडेटेड टूल का ही यूज करेंगे, क्योंकि अपडेट टूल आने का मतलब होता है उसमें नए सारे फीचर आ जाते हैं, उसमें नई चीजें आ जाती हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है 13 जनवरी, कितने को आया था, थर्ड मतलब 13 जन, ये जनवरी में आया था। अब जनवरी में ये पैच आया हुआ था 15/1/2024, इस तारीख को रिलीज हुआ था। इससे पहले का पैच इससे पहले था, ये देखिए इससे पहले का ये दिया हुआ है 6/8/2022,
14/10/2021, ऐसे इसके टाइम टू टाइम इसके पैच अपडेट होते रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका लेटेस्ट पैच होता है, इस लेटेस्ट पैच को क्या करेंगे दोस्तों, डाउनलोड करेंगे। जैसे आप लेटेस्ट पैच को डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके स्क्रीन में डाउनलोडिंग के लिए चालू हो जाएगा। ये जो डाउनलोड होता है एक जिप फॉर्म में होता है, किसमें होता है, जिप फॉर्म में होता है, जिप फॉर्म में फाइल होती है। ये देखिए 114 MB का आपका सॉफ्टवेयर है जो आपके स्क्रीन में डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन में ऐसा सेटअप आ जाएगा। इस सेटअप को यहां से कॉपी कर लीजिए, कट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना डेस्कटॉप में आना है। डेस्कटॉप में आने के बाद इसको क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन में ऐसा सेटअप आ जाएगा। ये सेटअप वही है जिसके माध्यम से आप बॉर्नियो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं कि ये सॉफ्टवेयर मतलब कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, कैसे एक्सेस करेंगे ये चीजें। सबसे पहली बात, ये सॉफ्टवेयर जो होता है बेल्ट जैसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब जिप फॉर्म में है, फाइल आपका कंप्रेस है, फाइल ऐसे नहीं खुल सकती। इसको पहले आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हियर करते ही ये सेटअप आपका खुल जाएगा। सेटअप खुलते ही यहाँ पर देखो लिख के आ जाता है बॉर्नियो सेटअप। क्या लिख के आया दोस्तों, बॉर्नियो सेटअप। आप इस सेटअप को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ऐसे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के लिए आपको यस, आपकी स्क्रीन में इंस्टॉलेशन चलेगा। वो बोलेगा कौन सी भाषा में करना चाहते हो, आप जिस देश के रहने वाले हो, जहां से रहने वाले हो, आप उस भाषा में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। वेलकम टू बॉर्नियो सिमेटिक सेटअप विजार्ड, दिस विल बी बॉर्नियो सिमेटिक 7.0 थर्ड पैच और ऑन योर कंप्यूटर। ये सारी बातें यहाँ पर लिख करके आती हैं। उसके बाद ये कह रहा है डेस्कटॉप में आप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं क्रिएट करना चाहते, आप ऑप्शन आए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आपके स्क्रीन में बॉर्नियो सिमेटिक का जो सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से इंस्टॉल हो जाने दीजिए। अगर अच्छे से नहीं इंस्टॉल होगा तो भी नहीं चलेगा, रीट्राई। आप इसको रीट्राई करेंगे, अबॉर्ट करेंगे। अच्छा, मेरे में इसमें ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है ये। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते ही आपके स्क्रीन में ऐसा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा और पूरा पूरा जो ग्रीन कलर का जो लाइन आ रहा था वो पूरा लाइन ओके हो जाएगा। लाइन ओके होने के बाद फिर आपके स्क्रीन में ऐसा शॉर्टकट बन जाएगा। ये शॉर्टकट बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट को ओपन करेंगे। यस, जैसे आप यस करेंगे तो यस करते ही आपका स्क्रीन में सिमेटिक के लिए खुल जाएगा। वो ग्रीन कलर का लाइन पूरा इंस्टॉल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके स्क्रीन में पहले से ही होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा खुल गया है, ये देखिए हमने इसको क्लोज कर लिया। शायद इसमें ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था इसलिए दिक्कत कर रहा था। मैं एक बार आपको दोबारा पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर कहीं ये खुला होगा तो दिक्कत करता है। तो आप नए होंगे, फर्स्ट टाइम होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे तो सेटअप आपके स्क्रीन में पूरा इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। इंस्टॉल हो गया, ये पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था। सक्सेस, कॉन्फ़िगर, कैंसिल करेंगे, फिनिश,
जैसे फिनिश करेंगे आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आपके स्क्रीन में। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर खुल जाएगा फिर उसके बाद उसमें क्या क्या सारी डिटेल्स आती है मैं आपको उसके बारे में अभी बताता हूँ। पहले ओपन हो जाने दीजिए ताकि मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा। ये देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल रहा है। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद ये तो मेरा सॉफ्टवेयर है इसलिए इसमें आईडी पासवर्ड ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर आपका पहले फर्स्ट टाइम होगा तो ऐसा खुलेगा। यहाँ पर यूजर नेम आईडी पासवर्ड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और अब आपको करना क्या होगा, जब कुछ भी नहीं होगा तो करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा आपको इसमें से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रजिस्टर्ड लिखा है ना, रजिस्टर्ड न्यू यूजर। जैसे रजिस्टर्ड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म खुल जाता है इस तरीके से, और इसको आप करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है, और यहाँ पर यूजर नेम आईडी पासवर्ड बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे क्रिएट करना होता है, इसको एक्टिवेशन कैसे करना होता है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सारे फीचर खुल जाते हैं, ये सामने स्क्रीन पे आपको सॉफ्टवेयर खुल गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमर का नंबर भी दिया होता है, +62 +62 81 12 63 320। इस नंबर को आप लोग अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। मोबाइल फोन में सेव करने के बाद आप इसी के नंबर पर व्हाट्सअप पे करके हाई कहिए। जैसे अगर हाय कहेंगे तो कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी कारण, बस अगर आपका बोर्नियो सिमेटिक नहीं चल रहा है या बोर्नियो सिमेटिक को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ट्रबल शूटिंग की दिक्कत आ रही है, तो वो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में खुल जाएगा और उसके माध्यम से आप मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम की समस्याओं को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वो आप लोग मदद कर देंगे, ये सपोर्टिंग टीम होती है, जो सपोर्टिंग टीम आपको ये मदद करती है कि भैया आपके बोर्नियो चलाते समय ये प्रॉब्लम आ रही है। इनका टाइमिंग भी होता है कि मतलब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो लोग आपकी ये मदद करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके सिस्टम को एक्सेस भी कर लेंगे, आपको बता भी देंगे, नया पैच अपडेट आ गया तो वो भी बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, उससे संबंधित वीडियो भी दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद मिल जाती है। कि मान लिया कल को यार सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हैं और फिर आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, ये यहाँ फोन करते हैं, ये फोन करते हैं कि हमारा चल नहीं रहा, हमारा चल नहीं रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधे आप इनको कॉन्टेक्ट करिए, ये आपकी खुद आपकी मदद करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सोल्यूशन करके देंगे और आपका सॉफ्टवेयर फिर से रनिंग हो जाएगा। बस आप में प्लान होना चाहिए, आपके पास एक्टिवेशन होना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि बोर्नियो सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा, कहाँ से जाएंगे और कौन सी वेबसाइट से कैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसका तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको टॉपिक ये समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका पूरा प्रैक्टिकल करें, इसको समझें और आगे वीडियो का मेरा वेट करें, मैं आपको आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ों के बारे में आपको समझाऊंगा ताकि आप डिटेल से समझ सकें और थोड़ी थोड़ी करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकें और सीख सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो दोस्तों अगर इसी लेवल तक की अगर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है कानपुर में पड़ता है, कानपुर जो स्टेशन है जस्ट उससे 300-500 मीटर दूर पे है। यहाँ पर ये मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, सागर मार्केट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर दुनिया जान के बहुत सारे लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग कराने के लिए आते हैं, झोला भर भर के फोन लाते हैं मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए। तो आप लोग भी अगर मोबाइल फोन कोई है वो भी आप यहाँ पर फोन को बनते हुए लाइव रिपेयरिंग करते हुए देखेंगे तो आपको और अच्छा सीखने के लिए रहता है और बेहतर रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ 6391211 6391711711 इसमें से किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपको जो प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ले सकते हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग कैसे सीखा जाएगा, कितने ड्यूरेशन कोर्स है, रहने की क्या व्यवस्था है, कितना पैसा लगेगा, क्या फीस लगेगी, इन सब चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।